हरियाणा के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू होने में अभी समय लग सकता है। आपको बता दें कि सरकारी निजी स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी में है। इस संबंध में अंतिम निर्णय बहुत जल्द लेने की बात भी कही जा रही है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शनिवार को यानी आज फैसला लिए जाने की बात कही है। कोरोना से बच्चों के संक्रमित होने के कारण 30 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां हैं, कोई भी स्कूल नहीं खुल रहा। 1 दिसंबर से 9वीं से 12वीं व अन्य कक्षाओं के लिए स्कूल खुलने हैं या नहीं, इसे लेकर शिक्षा निदेशालय ने सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। निदेशालय ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों से भी स्कूल खोलने को लेकर रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें छुट्टियां बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। शिक्षा निदेशालय के पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हरकत में आ गए हैं। उन्होंने निदेशालय के मार्गदर्शन मांगने के बारे में शिक्षा मंत्री कंवर पाल को बता दिया है। शिक्षा मंत्री बैठक कर सभी उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श कर छुट्टियां बढ़ाने या स्कूल खोलने को लेकर फैसला करेंगे। कंवर पाल का कहना है कि अभी चर्चा चल रही है। प्रदेश में 2 नवंबर 2020 से 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। पहले दिन जहां 75,683 विद्यार्थी आए, वहीं 6 नवंबर को इनकी संख्या 1,26,056 तक पहुंच गई। 18 नवंबर को प्रदेश के स्कूलों में 1,56,342 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की गई। विद्यार्थियों की इस उपस्थिति के साथ साथ कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे। इसके चलते सरकार ने 20 नवंबर को दोबारा स्कूल बंद कर दिए। लगभग 125 बच्चों को कोरोना होने की पुष्टि खुद सरकार ने की है। पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।